सी मेहंदी लग गई गाइस, यहाँ पे करवा चौथ का पूरा सामान मिल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ये व्लॉग स्पेशल होने वाला है, और क्या स्पेशल है ये आप थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा। मैं रखने वाली हूँ अपनी लाइफ का फर्स्ट करवा चौथ का व्रत। क्या 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 क्या? यस, जो आप लोगों ने लाइव में मेरे को बोला था कि आप करवा चौथ का व्रत रखिए, सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं रखूंगी करवा चौथ का व्रत, और ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ व्रत होगा। एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड, और मैं ट्राई करूंगी। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर अकेली हूँ तो सारे रिचुअल्स तो नहीं कर सकती हूँ जो कि एक मैरिड वुमेन करती है, और उसकी एक अलग ही क्या बोलते हैं उसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। तो जो चीज मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। सबसे पहले करवा चौथ से पहले हम लोग मेहंदी लगाते हैं, तो मैं भी मेहंदी लगाऊंगी, और मुझे मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ी सी मेहंदी लगाऊंगी और ट्राई करूंगी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में भी लगा पाऊं अगर हो सकेगा तो। अब मैं करवा चौथ का व्रत आखिरकार रख किसके ले रही हूँ? सस्पेंस है, जो कि थोड़ी ही देर बाद लाइक इस व्लॉग के खत्म होते होते रिवील हो ही जाएगा। मेरी मम्मी को भी बताया कि मम्मी मैं ना करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, तो मम्मी ने कहा बट क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कभी भी नहीं रखा है, और मतलब अनमैरिड लड़कियों के लिए नहीं होता है ये, तो इसलिए नहीं रखा है। तो मैं क्या हो गया, मतलब बाहर रह के क्या गुल खिला रही हूँ, बाहर रह के क्या गुल खिला रही हूँ। सीक्रेट है ये, टॉप सीक्रेट, मेरे और आपके बीच में, घर वालों को भी नहीं पता है। और हाँ, मैंने मेहंदी का कोन भी मंगा लिया था, सोचो सब कुछ प्लान किया था मैंने पहले से ही, पहले से मतलब थोड़ी देर पहले ही प्लान किया है, सब बहुत पहले से प्लान नहीं किया है। मेहंदी का कोन, आई नो सबके घर में मेहंदी का कोन आया होगा, सबकी मम्मियों ने मेहंदी लगाई होगी, ये अब मैं लगाऊंगी। मैंने ऑलमोस्ट एक से डेढ़ साल बाद मेहंदी लगाई होगी, बट नॉट बैड ना, अच्छी लगी, मेरे को खुद देख के अच्छा लगा, आपको कैसी लगी वो बताइएगा। और इसमें मैं स्पेशल नाम लिखने वाली हूँ, ये जो स्पेस मैंने बीच में छोड़ी है ना, ये स्पेशल नाम के लिए है, लेकिन ये स्पेशल नाम अभी नहीं रिवील करूंगी मैं, ये स्पेशल नाम मैं थोड़ा आगे जाके रिवील करूंगी, सुबह रिवील करूंगी जब ये मेहंदी रह जाएगी। अब मैं फटाफट से नाम लिख लेती हूँ उससे पहले कि पूरी मेहंदी सूख जाए, और फिर आपसे कल सुबह मिलती हूँ करवा चौथ वाली सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द मॉमीज, और आपको भी अगर आपने किसी
स्पेशल स्पेशल वन के लिए रखा हो तो, जैसे कि मैंने रखा है स्पेशल स्पेशल वन के लिए, मैं दिखाऊँ आपको मेहंदी, बट मैं नाम नहीं दिखाऊंगी अभी, सरप्राइज है वो तो। काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है ना, सी बहुत अच्छा कलर है ना। अभी मैं इसको, अभी तो मैं उठी हूँ तो जो सोते सोते हट जाती है ना, उतनी ही हटी है, थोड़ी बची है हटना, मैं इसको हटाती हूँ और फिर एकदम से फ्रेशन अप होके फिर आपको दिखाती हूँ कि आखिरकार जिस स्पेशल स्पेशल वन के लिए मैंने रखा है ना, उसके प्यार का रंग मतलब कितना अच्छा उभर कर आया है मेरी मेहंदी में। जोरों शोरों से चल रही है फैम मेरी फर्स्ट करवा चौथ की प्रिपरेशंस। मैंने आपको जैसे कि बताया था, फिर से दिखा दिया, तो मैंने मेहंदी कल लगा ली थी, लेकिन ऑब्वियसली मेरा जो अभी राइट हैंड है उसमें मेहंदी नहीं लगी है, और करवा चौथ में दोनों हाथों में मेहंदी लगती है, मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लगा पा रही थी और उस समय मेरी मेहंदी भी लगी हुई थी। तो अब मैंने सोचा कि भाई मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, मैं इतनी सारी तैयारियाँ कर रही हूँ तो तैयारियाँ अधूरी तो नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो मैं जा रही हूँ अपने राइट हैंड में मेहंदी लगवाने, लक्ष्मी आ गई। और हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं करवा चौथ के लिए स्पेशल अटायर भी अरेंज करूँ, कोशिश अभी जारी है, होपफुली अरेंज हो जाए और फिर मैं आपको फुल करवा चौथ लुक में नजर आऊँ। करवा चौथ का सामान भी मिलना स्टार्ट हो गया फाइनली। एक भैया खाली थे जो रेडी हो गए मेरे राइट हैंड में मेहंदी लगाने के लिए, अब मैं मेहंदी लगवाऊंगी। और फिर लेफ्ट हैंड से व्लॉगिंग करने वाली हूँ, यहाँ पे आंटी मेहंदी लगवा रही है। चलो आज मेहंदी मेहंदी मेहंदी, आज आप लोग की बहुत डिमांड रहती होगी ना भैया, है ना। करवा चौथ का पूरा सामान मिल रहा है, चूड़ियाँ जो कि मैंने ऑलरेडी ले ली हैं, मेहंदी लग गई। सो फाइनली मेरी शॉपिंग हो चुकी है करवा चौथ की पूरी, जितनी मैं कर सकती थी, जितना मैंने मम्मी को करते हुए देखा। सी मैं एग्जैक्ट शॉपिंग नहीं करूँगी क्योंकि वो एक अलग रिचुअल्स होते हैं, उनका एक अलग कह सकते हैं ना महत्व होता है, तो मैं उसको हर्ट नहीं करूँगी इन एनी वे। मैं जितना कर सकती हूँ एज इन नॉट मैरिड वुमेन, मैं वही करने वाली हूँ सिर्फ। सो जितना मुझे हो सका मैंने ले लिया है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी? और हाँ, ये है बाज़ार वाली मेहंदी, और कल जो मतलब आज इसी ब्लॉग में सॉरी जो मैंने दिखाई थी, एक्चुअली लगाई तो मैंने कल थी इसलिए कल मुँह से निकल रहा है, तो वो मेहंदी आपको ज़्यादा अच्छी लगी या फिर ये मेहंदी? फर्स्ट करवा चौथ वाला व्लॉग अभी, और फिर कल मिलते हैं आपसे अपने करवा चौथ के लुक के साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड, सी यू टुमारो, टेक केयर फैम, बाय बाय, लव यू ऑल।